वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है नाजमिन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं मेमोरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मेमोरी प्रोसेसिंग मॉडल। ठीक है, मेमोरी प्रोसेसिंग मॉडल से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम जो लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किए थे वो एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल कवर किए थे। अगर आपने वो मॉडल कवर नहीं किया है तो एक बार आप उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए ताकि ये वाले मॉडल्स जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करेंगे कि आज कौन कौन से मॉडल पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे और एक हम बात करेंगे आपका जो है बैडली का इन्फॉर्मेशन मॉडल जो कि उन्होंने वर्किंग मॉडल पे दिया था। ठीक है, वर्किंग मेमोरी मॉडल पे दिया था तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्किंग मेमोरी मेमोरी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोग बने रहेंगे आगे तक ताकि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर सकें। ठीक है, अच्छा जाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो मेमोरी है मेमोरी में से किस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार आते हैं। ठीक है, देखिए मेमोरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इजी टॉपिक है आपके सिलेबस का। ये इकाई 5 यानी यूनिट 5 का पार्ट है। ठीक है, जिसमें आपको मेमोरी और फॉरगेटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मेमोरी के बारे में उसके स्टेप्स के बारे में हम सब अच्छे से समझ चुके हैं। मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि ये वाला मॉडल समझने में आपको इजी हो। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी मेमोरी होती है, अगर हम मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा जो मेमोरी होती है उसका काम क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखना। कब तक? जब तक कि आपको उसकी ज़रूरत हो और वो ज़रूरत पड़ने पे जब आप उसको रिट्रीव करें तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो मेमोरी होल्ड करके रखती है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, आगे बात करेंगे कि मेमोरी के जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ मेमोरी में जो जब आती है, ठीक है, तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक बार और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेमोरी जो है उसकी प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या क्या है। ठीक है, उसमें हमने तीन चीज़ों की बात करी थी। पहला आपका बताया था हमने मेमोरी के प्रोसेस में एनकोडिंग होती है। ठीक है, ठीक है, नंबर टू पे हमने आपको बताया था स्टोरेज। नंबर तीन पे हम लोगों ने डिस्कस किया था रिट्रीवल। ठीक है, अब एनकोडिंग क्या होगा? एनकोडिंग मतलब जब आपको इंफॉर्मेशन सेंसरी सिस्टम से मिले। किसे मिले? सेंसरी सिस्टम से जो कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है बाहर से, जैसे कोई नॉइज आ रहा है, जैसे कोई आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कुछ टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई चीज़ को टच कर रहे हैं, तो इन सब से क्या होता है कि बाहर के स्टिमुलाई से एक इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है जो हमारी सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक है, तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन का सेंसेस के थ्रू अंदर आना, अंदर की साइड एंटर होना, वो होता है आपका एनकोड होना। ठीक है, तो एनकोडिंग हुई। एनकोडिंग के बाद में दूसरे नंबर पे आता है स्टोरेज, मतलब कि जो कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास गई उसको स्टोर करके रखा जाता है, रिटेन करके रखा जाता है। कहाँ पे? स्टोरेज में। ठीक है, स्टोरेज क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को रिटेन करता है और होल्ड करके रखता हुआ। डन, आई होप बात समझ आई। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने होल्ड की है उसको जब ज़रूरत पड़े आपको उस इन्फॉर्मेशन की, तो वापस से क्या करना है? पुश बैक करना है उसको। ठीक है, यानी कि पुल बैक आप कर सको या पुश बैक कर सको, जो भी है। ठीक है, बात समझ आए, मतलब कि जब ज़रूरत पड़े आप उस इन्फॉर्मेशन को वापस से ले सको, तो ये चीज़ होती है आपकी रिट्रीवल। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो रिट्रीवल मतलब जब कभी आपको इन्फॉर्मेशन की जो स्टोरेज में है उसकी ज़रूरत हो तो आप उसको वापस से अपने यूज़ में ला सके, तो ये होता है आपका, क्या होता है आपका? रिट्रीवल। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी कि ये प्रोसेस है किसकी? मेमोरी की प्रोसेस के स्टेप्स है। डन, चलिए आगे की साइड बात करेंगे हम। ये हो गया मेमोरी और इसकी प्रोसेस। अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ मॉडल्स आपको कल समझाए थे लास्ट वाली क्लास में जो कि है, उसमें मैंने आपको एटकिंसन और शिफ्रिन की बात की थी। एटकिंसन और शिफ्रिन ने क्या बताया कि जो मेमोरी है
वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? तीन पार्ट में। किस तरह से मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो किस तरीके से जाती है वो देखेगा आप। देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने बात की थी एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि एटकिंसन और शिफ्रिन ने मल्टी स्टेयर मल्टी स्टोरी मॉडल दिया था। मल्टी स्टोरी मॉडल में उन्होंने क्या बताया था? मल्टी स्टोरी मॉडल में उन्होंने ये बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है कहाँ से बाहर से अंदर मेमोरी तक, वो किस तरीके से प्रोसेस होती है। तो इसमें उन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट से आपको इनपुट्स मिलेंगे, लाइक बाहर से कोई नॉइज़ आ रहा है, लाइक कोई बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर में कोई सॉन्ग आ रहा है, ठीक है, तो वो आपके कानों तक पहुँचेगा। तो एनवायरनमेंट से आपके पास में क्या है, कुछ इनपुट आया, ठीक है। जब एनवायरनमेंट से आपके पास इनपुट आया तो वो किसके पास जाएगा? सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जैसे सेंसेस, जैसे वो कहाँ जाएगा? आपकी ईयर तक जाएगा। ईयर के थ्रू वो आपके अंदर मेमोरी में जाएगा ना, तो ईयर भी आपका एक तरह से उस टाइम पे किस तरह से काम करेंगे, सेंसरी मेमोरी की तरह, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आएगा, बाहर से नॉइज़ आया, ईयर के थ्रू वो कहाँ पहुँचेगा? अंदर की साइड में, ठीक है। वो जो अंदर की साइड में पहुँचेगा उसके लिए कुछ सेकेंड्स के लिए आपको वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखनी पड़ेगी सेंसरी मेमोरी में, ठीक है, जो सेंसर्स के थ्रू आपको मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब सेंसरी मेमोरी के बाद में वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत थोड़े समय के लिए ठहरती है, ऑलमोस्ट 30 to 40 seconds के लिए, ठीक है, या 15 to 30 seconds के लिए। अलग अलग जगह पे आप 30 सेकेंड एवरेज याद रखेगा कि 30 सेकेंड तक इन्फॉर्मेशन से शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स करके रख सकती है। इसके बाद जब आगे की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद जो है मेमोरी कहाँ पहुँचती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। सबसे पहले सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जब सेंसर से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जहाँ पे इन्फॉर्मेशन 15 से 30 सेकेंड 15 to 30 सेकेंड तक के लिए होल्ड की जा सकती है। उसके बाद में लास्ट में कहाँ पहुँचती है इन्फॉर्मेशन? लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में कब तक रहती है? लाइफ लॉन्ग भी रह सकती है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमको पूरी लाइफ याद रहती है, जैसे अगर आपकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट हुए हो, ठीक है, बुरे या अच्छे इंसिडेंट हुए हैं वो, ठीक है। और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं, पूरी लाइफ याद रहते हैं। तो वो सारा जो हिस्सा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, ठीक है। अब आज का जो मेन टॉपिक है वो है आपका प्रोसेस इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, और दूसरा है आपका बेडलिस वर्किंग मेमोरी मॉडल। तो चलते हैं उस मॉडल की तरफ। तो ये है आपका लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल आपको किसने दिया था? क्रैक ने दिया था और लॉकहार्ट ने दिया था, याद रखिएगा, 1972 में। तो क्रैक एंड लॉकहार्ट ने एक मेमोरी प्रोसेसिंग मॉडल दिया 1972 में। उनमें उन्होंने ये बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होगी, उसकी कोई डीप मीनिंग निकलती होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमको बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहती है एज़ कम्पेयर टू कि जो इन्फॉर्मेशन की इतनी मीनिंग आपकी लाइफ में नहीं हो या जिसका इतना सेंस आपकी लाइफ में नहीं बनता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली कॉलेज जा रहे हैं या फिर आप डेली ऑफिस जा रहे हैं या डेली स्कूल जा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए, ठीक है, तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ आप एक बार देखते हो और गुजर जाते हो। बहुत सारी लाइक बहुत सारे व्हीकल जाते होंगे, हम लोग सबको याद नहीं रहते, बहुत सारे लोग गुजरते हैं, हम सबको याद नहीं रखते हैं, ठीक है। एक बार वो हमारी नज़रों से गुजरेंगे और हम एक बार देखेंगे, थोड़े टाइम के लिए देखा कि हाँ ठीक है कोई है, और आप निकल लोगे, मतलब हम उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहे। तो एक बार देखा, ठीक है, देखने के बाद में देखा, उस टाइम पे थोड़ा समझ आया, फिर हम लोगों ने उन लोगों को छोड़ दिया और हम आगे बढ़ गए हमारे। लेकिन उसकी जगह क्या हो कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो और आपका कोई दोस्त आपको मिल जाए, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली का कोई मेंबर है जो बहुत नीड में है, आपकी ज़रूरत है उसको, तो आप उसकी हेल्प करेंगे, और जब उसके हेल्प कर देंगे, ठीक है, तो आपके फैमिली वाले आपकी लाइफ में मीनिंग रखते हैं, ठीक है, या आपका दोस्त आपकी लाइफ में मीनिंग रखता है, तो आपको आप रुकेंगे, उनसे बात करेंगे और चले जाएंगे, तो ऑफिस में और घर पे आने के बाद भी आपको याद रहेगा कि मुझे वहाँ पे फैमिली मेम्बर या दोस्त मिला था, ठीक है, और मैं मुझसे उसने ये कहा था, ये हेल्प मांगी थी और मैंने उसकी हेल्प की थी, ठीक है। तो जहाँ पे मीनिंग एड्स होंगे चीज़ों में,
है ना, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी, और जहाँ पे मिनी गाइड नहीं होंगे जो लोकल इन्फॉर्मेशन होगी वो उतने टाइम तक याद नहीं रहती। तो बेसिकली मेन आइडिया इसके पीछे यही है, ठीक है, कि जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं। अब ये अगर एक एग्जांपल मैं हटा दूँ तो इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जब, या फिर आप स्कूल में बोर्ड्स दिए होंगे, तो जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए थे तो आपको याद है हम लोग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था उस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करते थे, पूरा समझ समझ के याद रखते थे। और आपको पता है कि ये चैप्टर या ये क्वेश्चन उतना नहीं आएगा, तो आप उसको बस एक बार देखते थे और उसको छोड़ देते थे, ठीक है। तो यही होता है कि जब हमारी लाइफ में, अब वो इंपॉर्टेंट है आपको पता है एग्जाम में आ सकता है, तो अब उसके साथ मीनिंग ऐड हो गया, ठीक है, अब उसके साथ कुछ ना कुछ मीनिंग जुड़ रहा है कि यार ये मीनिंगफुल है, इसको करना ही पड़ेगा, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को डीप में जा करके प्रोसेस करोगे। तो डीप में जा करके अगर आप प्रोसेस करोगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि जो आपकी लाइफ में मीनिंग नहीं रखते, जो आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते, तो फिर आप उसको ऊपर ऊपर देखोगे और छोड़ दोगे। तो जो ऊपर ऊपर देखोगे और छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली बात है वो उतने टाइम तक याद भी नहीं रहेगी, आप थोड़े टाइम में उसको भूल जाओगे। लेकिन जो आप डीप में जा करके मीनिंग को मीनिंगफुली और अच्छे से टाइम लगा करके चीज़ें ध्यान रखोगे, इन्फॉर्मेशन ध्यान रखोगे, तो वो क्या करेंगी, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। तो यही आइडिया हमको किसने दिया है, लॉकहार्ट ने, क्रेक एंड लॉकहार्ट ने, प्रोसेसिंग मॉडल में, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे और देखेंगे कि ये चीज़ होती क्या है। देखिए ये देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ प्रोसेसिंग का उन्होंने दो तरीके के बताई है, शेलो प्रोसेसिंग एंड डीप प्रोसेसिंग, ठीक है। शेलो प्रोसेसिंग मतलब कि क्या होगा कि आप ऊपर ऊपर प्रोसेस कर रहे हो, सिर्फ एक एक बार देख लिया आपने, ठीक है। और डीप प्रोसेसिंग मतलब आपने उसको मीनिंगफुली समझा, उसके साथ बहुत सारे मीनिंग ऐड किए, और मीनिंग ऐड करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में, आपकी जो मेमोरी है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से बताया है इसमें। देखिए स्ट्रक्चरल होती है, अगर आप कोई चीज़ को बाहर बाहर से देख रहे हो कि अच्छा ये है, और कोई बुक है, लाइक कोई बुक है आपके सामने, आपने उस बुक को बस ऐसे ऐसे देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया कि अच्छा ये रेड कलर की बुक है, ये नाम है बस, और थोड़ा सा ऐसे जिसको बोलते हैं हम ओवरव्यू कर लेना है, सरसरी नज़र से देख लेना, आपने वैसे देखा, ठीक है, और उसको छोड़ दिया। तो आपने क्या करा, बेसिकली एक स्ट्रक्चरल व्यू में उसको देखा है ना, सिर्फ स्ट्रक्चर में देखा, ठीक है। तो जब किसी चीज़ को सिर्फ स्ट्रक्चर के फॉर्म में या सिर्फ ऊपर ऊपर के फॉर्म में याद रखा जाएगा, तो उस कौन सा वो वाला कौन सा प्रोसेसिंग होगी, वो आपकी शेलो प्रोसेसिंग होगी। होपफुली आप लोगों को बात समझ आ रही होगी, ठीक है। देखते हैं आगे की साइड में कि है ना, देखो लुक्स लाइक कैसे दिखती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका मेमोरी ट्रेस बनेगा, मेमोरी ट्रेस मतलब क्या होता है, जिसके थ्रू आपको मेमोरी में चीज़ें ध्यान रहती है, ठीक है। कोई वो रास्ता, जैसे फॉर एग्जांपल आप पार्क में जा रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आप एक ही रास्ते से गुजरते हैं, या लोग अगर एक ही रास्ते से गुजरते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की जगह में, वहाँ की अगर ग्रास है, घास वाला एरिया है, तो वो थोड़ा थोड़ा निशान बन जाते हैं। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन को अगर याद किया जाता है तो उसके सर्टेन ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमको इन्फॉर्मेशन हमेशा याद रहती है। लाइक आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रेसिडेंट का नाम याद रखा है, कुछ भी चीज़ आपने याद रखी है, तो आपके दिमाग में सर्टेन चीज़ आएगी। जैसे मैंने बोला प्रेसिडेंट, तो इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको नाम याद आएगा, है ना। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी है, तो आपको है ना कि राष्ट्रपति भवन याद आएगा थोड़ा थोड़ा। अच्छा द्रौपदी मुर्मू की जो तस्वीर है थोड़ी थोड़ी वो याद आएगी। तो ये सब मिला करके आपके दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन बता बिठा देंगे क्या, कि ये क्या है, ये चीज़ क्या है, आप लोगों को याद रहेगी कि ये चीज़ क्या है, कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो वो चीज़ें जो राष्ट्रपति भवन, द्रौपदी मुर्मू, एक फीमेल की तस्वीर आना, ये सब ट्रेसेस है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन याद रहती है, क्लियर। होपफुली आपको बता दिया मैंने, वीक मेमोरी ट्रेस लीडिंग सो शॉर्ट रिटेंशन, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसमें आपको मेमोरी जो है वो बहुत टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए याद रहेगी, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप को बहुत कम समय के लिए याद रहेगी जब आप सिर्फ देखोगे और छोड़ दोगे। दूसरी बात करते हैं अकोस्टिक, मतलब कि कोई चीज़ आपने देखी और उसके साथ सुनी, जैसे आप ये वीडियो देख रहे, ठीक है, तो कोई चीज़ आपने देखी, आप देख रहे हो और आप सुन रहे हो, तो वो सिर्फ देखना, जहाँ पे आपकी एक सेंस हुए, सिर्फ देखने के कंपेरिजन में वो चीज़ जो आपने देखी और सुनी ज़्यादा याद रहेगी, ठीक है। मतलब कि वो थोड़ा सा और आपको ज़्यादा याद है, या देखिएगा आपके यहाँ पे जो ट्रेस बने हैं वो थोड़े से
डार्क है इसके कंपेयर, ये लाइट है और ये थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। उसके बाद में जब हम यहाँ पे जाते हैं सिमेंटिक, आपने कोई चीज़ देखी, आपने उसको सुना और उसके साथ मीनिंग ऐड कर दिया, जैसे आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं प्रोसेसिंग ऑफ मॉडल, और आपकी लाइफ में मीनिंग ऐड कर रहा है कि JRF की जर्नी में यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये अभी ये मीनिंग भी हो गया। तो आप वीडियो को देख के सुन के और उसमें मीनिंग ऐड करके लॉन्ग टर्म तक याद रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं डीप प्रोसेसिंग, क्लियर। ये देखें, अब जब डीप प्रोसेसिंग होता है तो मेमोरी ट्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये देखें स्ट्रॉन्ग मेमोरी ट्रेस बनेंगे यहाँ पे, है ना, और लीडिंग टू लॉन्ग टर्म रिटेंशन, मतलब कि ये किस तरफ लीड करेंगे कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहेगा, लॉन्ग टर्म तक मेमोरी जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी मेमोरी में रहेगी। होपफुली आपको समझ आया होगा कि क्या बताया है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा और अगर हम देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसको थोड़ा और देखा है कि हम कोई भी चीज़ को कंसिडर्ड करते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं और फिर क्या समझते हैं उसके मीनिंग के, सब चीज़ को कंसिडर करना मतलब कि अच्छा ये चीज़ है, ठीक है, फिर उसको समझना, पहले कंसिडर करना कि हाँ कुछ चीज़ है, ठीक है। लाइक अगर आप कोई कार देखे हो तो आपने देखा कि अच्छा ये कार है, तो आपने कंसिडरेट किया, अच्छा कार क्या करती है, कौन से कलर की है, कौन सी स्पीड से चलती है, तो आपने अंडरस्टूड किया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से, अच्छा ये है इस तरह से चल रही है, अंडरस्टूड किया। और अंडरस्टूड करने के बाद में कार क्या काम आती है, कार में कितने गियर्स है, कार क्यों इम्पोर्टेंस है, ठीक है, आपकी फैमिली में सपना है अगर किसी का कार लेने का, तो ये सब क्या हो गया, अब उसके साथ बहुत सारी मीनिंग ऐड हो गई, किसके साथ, कार के साथ। तो अब वो वाली कार जो आपने दूर से देखा सिर्फ और चली गई, उससे ज़्यादा जब आपने उसके साथ मीनिंग ऐड की कि आपकी फैमिली में आपका ड्रीम है कि आप वही कार ले, वो बहुत अच्छी चलती है, सर्टेन ब्रांड की कार आपको चाहिए, तो वो उससे मीनिंग ऐड हो गई, वो वाली कार आपको हमेशा हमेशा याद रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को कंसिडर करते हैं, उसको अंडरस्टूड करते हैं और फिर उसके साथ मीनिंग ऐड करते हैं, ये होता है आपका इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना, ठीक है, प्रोसेसिंग मॉडल के अनुसार, ठीक है। एक बार उसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें इसमें शेलो है ना, शेलो का मतलब होता है बहुत ऊपर ऊपर का लेवल, शेलो मतलब कि बहुत छोटा सा लेवल, स्मॉल लेवल, ठीक है, बहुत छोटा सा लेवल, बहुत नॉर्मल स्तर की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अच्छा स्ट्रक्चरल वाला जो होता है आपका, ये देखिए एक मिनट रुकिए, जो आपके स्ट्रक्चरल वाला होता है, मतलब स्ट्रक्चरल मतलब किसी चीज़ को सिर्फ देखा और ध्यान रखा, तो वो क्या हो गया आपका स्ट्रक्चरल हो गया, लुक लाइक वो कैसी प्रोसेस होंगे, शैलो प्रोसेस होंगे, मतलब बहुत ऊपर ऊपर से स्मॉल सी प्रोसेसिंग होगी, वो चीज़ आपको ज़्यादा याद नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम फोनेटिक्स की बात करते हैं, फोनेटिक्स की बात होती है फोन आप बस इससे याद रखिएगा कि फोनेटिक्स फोन से याद रखना, फोन मतलब सुनना, तो जब भी फोनेटिक्स से रिलेटेड बात होगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ साउंड हो गया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ स्पीच होगी जिसके ऊपर बात होगी, तो जिस चीज़ को आपने सुना वो थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, तो फिर हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो कौन सी मेमोरी में आएगी, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगी, ठीक है। एक मिनट रुके, ये देखिए कौन सी मेमोरी में आई, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आई, तो जो सुनी हुई चीज़ है वो कहाँ याद रहेगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब थोड़े टाइम के लिए याद रहेगा, 15 to 30 seconds तक, ठीक है। सिर्फ देखा हुआ है तो क्या रहेगा, शेलो मीनिंग हो जाएगी, मतलब बिल्कुल याद नहीं रहेगा, लगभग न के बराबर, लेकिन उसके साथ कुछ साउंड जुड़ा हुआ है, कुछ स्पीच जुड़ी हुई है, अकोस्टिक है, मतलब सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, दोनों को मिला करके थोड़ा लॉन्ग टर्म याद रहेगा, कितना एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाए इतना। लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है, ये जो सिमेंटिक होता है, सिमेंटिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, पेपर वन में भी और पेपर टू में। सिमेंटिक का मतलब होता है अर्थ निकालना किसी चीज़ का, अर्थ मतलब कि क्या हो गया आपका मीनिंग, ठीक है, क्लियर। अगर किसी चीज़ के साथ कुछ मीनिंग ऐड है तो वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगी, क्लियर। वो प्रोसेस कैसी होती है, डीप होती है, और वो आपकी कौन सी मेमोरी में जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है ना। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, डन। ये इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगी, कौन सी, एक बार उसको बता दें, स्ट्रक्चरल वाली शेलो होगी, बहुत कम समय के लिए याद रहेगी, ठीक है। फोनेटिक होगी जो कि साउंड से रिलेटेड हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी के थ्रू फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा पक्के से याद नहीं रहेगी, आप इसको थोड़ा जल्दी भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन जो जिसमें आपका दिख भी रहा है, सुन भी रहा है, उसके साथ कुछ ना कुछ मीनिंग अटैच है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में, ठीक है, या किसी और
कि जो आपके अपने हैं उनकी लाइफ में अगर इंपॉर्टेंस रख रही है तो इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। होपफुली आपको लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल जो कि क्रैक एंड लॉकहार्ट ने दिया है समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। जो अगला मॉडल है आपका वो है आपका बैडलीज मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी। अब जो बैडलीज मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी है इसमें इसको दिया बैडली और हिच ने 1974 में। 1974 में किसने दिया? बैडली और हिच ने वर्किंग मेमोरी मॉडल दिया। अच्छा, वर्किंग मेमोरी मॉडल को पढ़ाने से पहले एक बार आपको एटकिंसन और शिफ्रिन का याद होना चाहिए। एटकिंसन और शिफ्रिन ने ये बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन है पहले सेंसरी मेमोरी में आती है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में आते हैं और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं। बेसिकली उन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी को सबसे ज़्यादा डिफाइन किया था। किसने? एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने। लेकिन जो बैडली और हिच है उन्होंने बताया था शॉर्ट टर्म मेमोरी को कि शॉर्ट टर्म मेमोरी सिर्फ एक स्टोरेज नहीं है जो थोड़े टाइम के लिए इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखती है। उन्होंने ये बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन प्रोसेस भी होती है ना, इन्फॉर्मेशन का पूरा लेने देने का, यानी कि क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होने का पूरा एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ था कि बैडली और हिच ने अलग से वर्किंग मेमोरी का एक कॉन्सेप्ट दिया था। बेसिकली वर्किंग मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी ही है। ठीक है, वर्किंग मेमोरी अलग नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी ही है। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक्टिव सिस्टम जो है वो वर्किंग मेमोरी है। ठीक है, मतलब जो कोई इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगी उसका एक्टिविटी के रूप में आपको क्या करना है, यूज़ करना है। एक्टिविटी के फॉर्म में अगर इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रही है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होना किसमें? शॉर्ट टर्म मेमोरी में। वो किसका काम होता है? वर्किंग, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है। थोड़ा सा और हम इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या बोल रहा है। ठीक है, ये रखिएगा, विच फोकस स्पेसिफिकली ऑन द वर्किंग ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये मैंने आपको अभी बताया कि वर्किंग मेमोरी किस पे फोकस करती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के वर्किंग फॉर्म पे। डन, यहाँ पे मैंने एक और लाइन बताई है आप लोगों को कि वर्किंग मेमोरी इज एन एक्टिव सिस्टम प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तो वर्किंग मेमोरी क्या है? एक सिस्टम है, एक्टिव सिस्टम है, किसका? शॉर्ट टर्म मेमोरी का, जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होने का एक एक्टिव सिस्टम क्या है? वर्किंग मेमोरी। किसके अंदर? शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी। क्लियर? और क्या हो सकता है इसका कि लाइक आपके पास में शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई इन्फॉर्मेशन है, अब उस इन्फॉर्मेशन को कितनी देर रखना है, कितनी देर नहीं रखना है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे जाएगी, किस तरीके से जाएगी, वो सारा काम आपका वर्किंग मेमोरी का होता है। ठीक है, आपने कुछ सुना, वो बात आपको थोड़ी देर याद रहेगी, अब वो बात आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही ख़त्म हो जाएगी, ये सब बातें डिसाइड करने का काम वर्किंग मेमोरी का होता है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से इसको दिया है, वर्किंग मेमोरी का सिमेंटिक मॉडल। इसको पढ़ने के लिए पहले आप लोगों को तीन टर्म का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि आपकी सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन आएगी। नंबर वन इंफॉर्मेशन कहाँ आई? सेंसरी मेमोरी में। जैसे आपने कोई साउंड सुना या आपने कुछ देखे, ठीक है, तो सुना तो सुनने के बाद में वो जो ऑडियो है वो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में कहाँ आएगा? आपका सेंसरी मेमोरी में। ठीक है, ईयर के थ्रू सेंसरी मेमोरी में बात आएगी। अब जब सेंसरी मेमोरी में बात आएगी तो क्या होगा कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपको साउंड के फॉर्म में आई है उसका सर्टेन लूप क्रिएट होगा। ठीक है, किसके अंदर? शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। तो ये जितने भी पार्ट मैं आपको बता रही हूँ ये सारा कौन सा सिस्टम है? एक्टिव सिस्टम है। किसके अंदर चल रहा है? शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चल रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर ये सारा सिस्टम चल रहा है। डन, क्लियर? चलिए अब इसको पढ़ने से पहले एक बार और ये वाली चीज़ देख लीजिए कि जो वर्किंग मेमोरी मॉडल होता है उसमें वर्किंग मेमोरी के उन्होंने जो बैडली है और हीच है उन्होंने आपको सर्टेन पार्ट बताए हैं। ठीक है, उन पार्ट के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट है सब, नंबर वन पे आप याद रखिएगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। नंबर वन क्या है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है, ठीक है, उनको मेंटेन करने का, उनको मैनेज करने का काम करता है। कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन से सेक्टर में जाएगी ये काम डिसाइड करने का काम कौन करता है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। याद रखिएगा एक तरह से ये बॉस है। ठीक है,
बॉस होता है ना जो सारे डिसीजन लेता है, सारी चीज़ों को मैनेज करता है, तो बेसिकली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव भी बॉस है किसका, वर्किंग मेमोरी का, ठीक है। अब इसके आगे अगर और बात करेंगे हम, तो इसके और कौन से पार्ट हो गए, ठीक है। देखिए नंबर टू पे आपको याद रखना है विजियो स्पेशल स्केच पैड, ठीक है। नंबर टू पे आपको याद रखना है विजियो स्पेशल स्केच पैड। अच्छा क्या होता है अभी बताती हूँ। नंबर टू पे, नंबर थ्री पे आप लोगों को याद रखना है फोनोलॉजिकल लूप, ठीक है। और नंबर फोर पे आप याद रखोगे एपिसोडिक बफर, ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्या है, एक एक करके हम इनको अच्छे से समझने वाले हैं। होपफुली आपको सारे टर्म पता चल गए होंगे। क्या बोला मैंने कि वर्किंग मेमोरी क्या है, एन एक्टिव सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, किसका, शॉर्ट टर्म मेमोरी का, ठीक है। अब वर्किंग मेमोरी के भी कितने पार्ट्स हो गए, चार पार्ट हो गए, ठीक है। कौन कौन सा, सबसे पहले हो गया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो बॉस का काम करता है, जो बाहर से इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन को कौन से पार्ट में भेजना है, ये काम कौन करता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। नंबर टू पे आपका कौन आएगा, विजियो स्पेशल स्केच पैड, ठीक है, नंबर टू। नंबर थ्री पे आपके कौन आएगा, फोनोलॉजिकल लूप। नंबर फोर पे एपिसोडिक बफर। होपफुली यहाँ तक बात समझ आई होगी। अच्छा इनको एक एक करके समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो जब कभी आपने देखिए विजुअल स्पेशल स्केच पैड जो है वो हमेशा याद रखेगा, आपको विजुअल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में हेल्प करेगा। विजुअल या फिर स्पेशल, स्पेशल कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, देखो विजुअल मतलब देखना और स्पेशल मतलब होता है जो स्पेस से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। स्पेस मतलब कि डेप्थ को देखना, बाहर पास है ना, दूर, ये सब देखना समझना, ये सारा स्पेशल होता है। स्पेस की नॉलेज जो होती है उसके लिए स्पेशल होती है। तो जब देखने वाली और प्लेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कहाँ भेज देता है, विजियो स्केच पैड में, ठीक है, विजियो स्पेशल स्केच पैड में वो इन्फॉर्मेशन वो भेज देता है। होपफुली बात समझ आएगी। नंबर टू पर जो आपका है फोनोलॉजिकल लूप। अब फोनोलॉजिकल लूप जो होता है, याद रखिएगा नाम है फ़ोन। मैंने आपको फ़ोन के लिए क्या बताया कि ऑडियो साउंड संबंधित सारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है फोनोलॉजिकल या फोनेटिक्स में आती है, ठीक है। तो जो फोनोलॉजिकल लूप है वो क्या करता है, जो भी बात आप सुन रहे हो, ठीक है, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो जो सुन रहे हो वो, और जो स्पीच है या जो लैंग्वेज है, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फोनोलॉजिकल लूप में बात करता है। बात समझ आई, क्लियर। अब उसके बाद में एक और बात आती है एपिसोडिक बफर की। एपिसोडिक बफर का क्या काम होता है, बेसिकली एपिसोडिक बफर एक मीडियम का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। किसके बीच में, एपिसोडिक बफर जो एक मीडिएटर का काम करता है बिटवीन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच में किसका काम करेगा, ये मीडिएटर का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो बैकअप इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कभी आपको इन्फॉर्मेशन भूल गए, याद नहीं रहा, सुना कुछ याद नहीं रहा, तो उसका एक बैकअप जो है वो एपिसोडिक बफर में होता है, ठीक है। समटाइम्स होता है कि ऐसा हमने कुछ सुना हुआ एकदम याद नहीं रहता है, लेकिन फिर थोड़े टाइम में वो याद आ जाता है। तो बेसिकली वो आपका कौन संभाल के रखता है, एपिसोडिक बफर, ठीक है। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी। तो विजुअल स्पेशल, विजुअल सिमेंटिक की बात करता है, फोनोलॉजिकल लूप लैंग्वेज और ऑडिटरी सिस्टम की बात करेगा, और आपका एपिसोडिक बफर क्या करेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या करेगा, बैलेंस करने का काम करता है, या इनके बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है, ठीक है। सुनिएगा एक बार, ये देखिए आपको याद रहना है कि जो एपिसोडिक बफर है आपका वो किसके बीच में, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच में किसका काम करेगा, कनेक्शन बनाने का काम करेगा। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। एक बार और मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि क्या होता है, ठीक है, ताकि आप कभी भूलें ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात की, वर्किंग मेमोरी की। किसकी बात की, वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का मैंने आप लोगों को क्या बताया, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि एन एक्टिव सिस्टम है ये, एन एक्टिव सिस्टम। किसका एक्टिव सिस्टम है भाई, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है किसके अंदर, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, उसका ये एक पार्ट है, ठीक है।
तो पहली बात तो ये याद रखेंगे, वर्किंग मेमोरी इज़ एन एक्टिव सिस्टम ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है उसका एक्टिव फॉर्म है, मतलब कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो किस तरीके से जाएगी, किस तरीके से कहाँ पे उसको रखना है, कितने टाइम तक होल्ड रखना है, ठीक है, कौन सी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना है, ये सारा काम किसका होता है, वर्किंग मेमोरी का होता है। उसके बाद में मैंने आपको वर्किंग मेमोरी के टाइप्स बताए, ये देखें हमने आपको वर्किंग मेमोरी के टाइप्स बताए, वर्किंग मेमोरी के पार्ट्स बताए। एक मैंने आपको बताया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, है ना, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या करता है अभी बताया आप लोगों को, बताओ बॉस का काम करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजना है, बाहर से आ रही इन्फॉर्मेशन में कौन सी फोनोलॉजिकल वाली है, मतलब सुनने वाली है, उसको फोनोलॉजिकल रूप में भेज देगा, और कौन सा दिख रही है और कौन सी स्पेस से रिलेटेड, उसको कहाँ भेजेगा, विजुअल स्पेशल स्केच पैड में भेज देगा। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। नंबर टू पे मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको याद रखना है विजुअल स्पेशल, है ना, विजुअल स्पेशल का मैंने आपको क्या बताया कि जो विजन मतलब जो दिख रहा है उससे रिलेटेड और जो स्पेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास जाती है, विजुअल स्पेशल स्केच पैड के पास जाएगी, ठीक है। नंबर तीन पे आपको याद रखना है फोनोलॉजिकल लूप। फोनोलॉजिकल लूप मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, क्या होता है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है कौन सी, एक तो ऑडियो से रिलेटेड मतलब जो सुन रहे हो वो आप, और एक और कौन सी जो आप लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो, ठीक है, तो लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो, जो लैंग्वेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो, और जो ऑडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी लाइक स्पीच और हियरिंग, ये वाली कहाँ जाएगी, फोनोलॉजिकल लूप में। नंबर फोर पे मैंने आप लोगों को बताया है एपिसोडिक बफर। एपिसोडिक बफर में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया कि ये क्या करता है, एपिसोडिक बफर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और किसके बीच में, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच में क्या करता है, ये कम्युनिकेशन बिठाने का काम करता है, मतलब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। डन, कम्युनिकेशन या बैलेंस का काम कौन करता है, एपिसोडिक बफर। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। इसको एक बार और आप अच्छे से पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ आता है तो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वर्किंग मेमोरी, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए स्वामी विवेकानंद चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि हम आगे और अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को कंटिन्यू कर सके। और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको मेमोरी का पूरा टॉपिक मैं कवर कराने वाली हूँ, और दिसंबर में आने वाली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी आपको एक पर्टिकुलर सीरीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ में, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है यूजीसी नेट साइकोलॉजी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, ताकि आपकी JRF की जर्नी में एक छोटा सा पार्ट बना जा सके, आपको हेल्प किया जा सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बी हार्ड वर्किंग। एग्जाम आने वाली है, प्लीज़ कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को मेहनत करना है, और अपने आप में बिलीव करना है, यू कैन डू। इसको बीच में डीमोटिवेट होकर के चीज़ों को, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, अभी बहुत कम टाइम है, आप लोग पूरा अपना जितना भी टाइम है, जितना भी आप निकाल पा रहे हैं अपनी स्टडीज़ में दीजिए, ठीक है। पेपर वन को भी टाइम दीजिए, अगर आपको JRF करना है तो, अगर आप 5 से 6 घंटे अगर पेपर टू पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 2 घंटा या 1.5 घंटा आप लोग 2 आवर्स या फिर 1 आवर आप किसके लिए निकालिए, पेपर वन के लिए भी निकालिए। डेफिनेटली पेपर वन को इग्नोर मत कीजिएगा, JRF की जर्नी में पेपर वन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप की सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई यूनिट का कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, या PYQ की आपको नई सीरीज चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम इस पर नए वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।